हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लेके आए हैं एक प्रोडक्ट जो स्टील बर्ड ने हमें भेजा है अपने रिव्यू यूनिट में। इसका नाम स्टील बर्ड एरोनॉटिकल सीरीज का SBH-40 और वो हेलमेट है ये। बहुत ही खूबसूरत हेलमेट है, इसके ग्राफिक्स वगैरह तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छा ही है। तो जहाँ तक हेलमेट के लुक्स का बात है तो आप ये अपना पर्सनल चॉइस होता है, बट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें चार कलर आते हैं, जो कि इसका लिंक मैं जब डालूँगा तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। और इससे पहले मेरे पास ऐसा नहीं कि मैं ये पहला इन्होंने ये भेजा है और मैं इससे पहले स्टील बर्ड का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता था। पहले ये प्रोडक्ट आया था स्टील बर्ड का, जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता था, तो मैंने लिया था। ये भी स्टील बर्ड ने मुझे रिव्यू के लिए ही भेजा था, तो ये मैं लगभग 2-2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और प्रोडक्ट अभी भी अच्छा है बहुत। इसलिए भी डबल वाइजर का हेलमेट था, तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो आप नो डाउट बहुत ही अच्छा है। ये अभी तक वही सेम वाइजर है जो उसमें लगा हुआ था। तो बात करते हैं इस हेलमेट की। तो ये हेलमेट में क्या है कि ये डबल वाइजर हेलमेट है और इसमें वेंटिलेशन टनल है, तो जो भी एयर आएगी आप जब भी चलाएंगे तो एक यहाँ से एयर अंदर जाएगी, एक यहाँ से एयर अंदर जाएगी यहाँ से, और ये पीछे से ये निकल जाएगा, ठीक है। इसका लुक्स मांबा लुक बोलते हैं ऐसा कुछ है, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसका वेट जो है लगभग 1400 ग्राम है, मतलब काफ़ी लाइट वेट है। ISI मार्क है इस पर और ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड है। बाकी स्टील बर्ड का ये प्रोडक्ट तो नो डाउट बहुत अच्छा है। इसमें डबल वाइजर की जो बात करें तो ये पहला ही सिंगल वाइजर है बाहर का, जिसपे स्क्रैच प्रूफ है, इस पर स्क्रैच वगैरह नहीं लगते। जैसे मैंने वो हेलमेट दिखाया ना, अगर आप कायदे से प्रोटेक्ट करके रखते हैं तो आपके हेलमेट के वाइजर पे स्क्रैच नहीं आता। माइनर स्क्रैच अगर आएगा तो जो माइनर स्क्रैच आते हैं ना, उससे धीरे धीरे वो वाइजर ख़राब हो जाता है, वो माइनर स्क्रैच इस पर नहीं आते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप कितना अच्छा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरे पास एक और हेलमेट है जिसको मैं 5 साल से यूज कर रहा हूँ और उस पर अभी भी स्क्रैच नहीं, एकदम क्लीन है उसका वाइज़र। और स्टील बर्ड वाला तो आपको दिखाई दे, 2-2.5 साल से उसको भी यूज कर रहा हूँ, तो इसका ये निकालता हूँ अभी। इसमें जो साइज़ है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और XL, 3 साइज़ है और 4 साइज़ है। और ये इसका वाइज़र मैं ये निकाल के दिखाता हूँ आपको। हाँ, जैसे प्राइस की बात है तो ये दो उसमें आता है, एक सिंगल वाइज़र में, जैसे कि ये इसमें ये है, ये देखिए एक सिंगल वाइज़र में, और जैसे ये है ये डबल वाइज़र में। ये देखिए इसका इसमें अंदर ये, अगर आप किसी राइड पे जाते हैं या फिर तो उस कंडीशन में ये अगर धूप वगैरह लगती है तो वो बचाने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आपने गौर किया होगा कि बाकी जितने हेलमेट आते हैं उसमें ये वाली चीज़, ये जो है ना, ये इसमें यहाँ पे ये कुछ होल्ड करने के लिए नहीं रहता, ये आगे यहाँ पे ये जो फोम है ना, इस पे आगे ये टिक जाता है, ये नीचे नहीं जाता है और यहाँ से बीच में से आपको हवा नहीं लगती कि कहीं से भी हवा अंदर जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर ये नोज़ प्रोटेक्टर लगा हुआ है जिससे ये भी विंड को प्रोटेक्ट करता है, और जो आप सांस छोड़ते हैं तो ये इस पे जमने से रोकता है, ठीक है। अगर आप जैसे विंटर में कहीं जा रहे हैं तो ये वाला वाइज़र उठा दीजिए, इसको खोल दीजिए, ये तो आपकी सांस नीचे से निकल जाएगी, इस पर भाप नहीं जमेगी। लेकिन इस पर अगर इसको ये ऊपर रहेगा और ये लगा रहेगा तब इस पर फॉग लगता है और फिर विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। तो ये अंदर वाला वाइज़र इस काम से आता के लिए भी ठीक है। और जैसे मैंने वो दूसरे वाले हेलमेट में स्टील बर्ड का ही दिखाया था, उसमें वाइज़र ये नीचे तक नहीं आता पूरा, और बाकी किसी भी हेलमेट में नहीं आता है, और केवल ये इसमें ही है। और दूसरा ये नीचे ये चिन प्रोटेक्टर दिया हुआ है, ये चिन प्रोटेक्टर है और नीचे से अगर जो विंड है, विंड ब्लास्ट है उसका असर उसके ऊपर नहीं जाता। इसको मोटर ब्लॉगिंग वगैरह करना है तो हवा जो होते हैं, हवा के कारण जो आवाज़ आती है ना, वो अंदर साइलेंट रखता है। इवन अगर आप अंदर इंटरकॉम लगाते हैं, इंटरकॉम में अगर आपको बात करनी है तो वो भी इस हेलमेट में काफ़ी अच्छा रहेगा। और जैसा कि ये वाला चीज़ दिख रहा है, ये यहाँ पे ये एरिया इतना आपको ये पूरा प्लेन एरिया मिलता है ये, और इसमें ईजिली आप जो है अपना GoPro वगैरह सेट कर सकते हैं मोटो व्लॉगिंग के लिए। काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है, और क्योंकि ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे इन्होंने कोई बटन नहीं दिया है ताकि ये
आपका विंड टनल जो है ये ओपन हो या क्लोज़ हो इसके लिए, तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं जैसे कि बाकी कुछ हेलमेट में होता है, जैसे कि अगर आपको लगा दिया तो जैसे मैं ये एक हेलमेट दिखाता हूँ, ये हेलमेट है जिसका मैं बात करते 5 ईयर से मैं यही ग्लास सिंगल ग्लास यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप जो है इसमें आप आराम से यूज कर सकते हैं। इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें जगह नहीं मिलती जैसे यहाँ से, ये अगर ऐसा सिस्टम दिया होता है तो ये बात हो गई। नेक्स्ट हो गया कि हाँ, एक यहाँ पे भी है, यहाँ से भी विंड निकलने के लिए दिया हुआ है। अंदर का जो ये लॉक सिस्टम है ये इस तरह से दिया हुआ है, सिंगल क्लिप में ये बाहर निकल जाता है और जब चाहे आप बहुत आसानी से ये अंदर हो जाता है। ये लॉकिंग सिस्टम भी इसका बहुत अच्छा दिया हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही है वो। और इसका वेट हो गया, वो बहुत लाइट वेट है, ऐसा ही मार्क है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी फॉलो करता है। और अंदर का ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल फोम है इसका, और ये आराम से इसको आप ये निकाल भी सकते हैं। ये देखिए, आपको निकाल दिखाता हूँ, ये आराम से इसको निकाल के यार, ये देखिए, ये दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये बहुत ही आराम से जो है आपने ये देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि लेके आते हैं ये इसको आराम से निकालिए और क्लीन कर लीजिए। और यहाँ पे ये देखिए, बीच में ये जो एरिया है, यहाँ पे जब आप ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे यहाँ पे आएगा, पूरा आपके चेहरे को एकदम स्नग फिट करता है, और ये एरिया आपके कान को जो है दबाता नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंटरकॉम वगैरह भी सेट कर सकते हैं उसके लिए, और कान में आपको किसी तरह की दर्द या किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी आपको निकाल के दिखा दिए। और इसका जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा था, एक इसके साथ इन्होंने ये एक पैड दे रखा है, ठीक है। और अगर आपको इसका ये फ़ायदा क्या है, अगर आपको ये पूरा प्रॉपर सेट नहीं होता है, किसी को जो है लार्ज सेट होता है, किसी को स्मॉल सेट होता है, ठीक है, तो अगर आप दो लोग हेलमेट पहनना चाहते हो तो इसके अंदर जो है यहाँ पर ले जा करके आप इसको ये अंदर ही सेट कर दीजिएगा। अगर आप टेम्परेरी सेट करना है तो आप ऐसे रख दीजिए कभी एक दिन के बाद के लिए, लेकिन अगर आपको परमानेंट सेट करना है तो इसके अंदर ये पूरा खोलिए, और ये वाला जो एरिया है ना, ये इसका आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इसके नीचे आप इसको ले जाकर सेट कर दीजिए, और ये जाके ये परमानेंटली चिपक जाएगा। और ये इस दो केस में यूज हो सकता है, किसी को टेम्परेरी यूज करना है तो कभी के लिए, तो ये लगा के सेट कर सकता है बाहर से। अगर अंदर से आपको सेट करना परमानेंटली, जैसे ये लूज़ हो गया, या फिर कोई आपको जिसका साइज छोटा है सर का उसको यूज करना, या फिर टाइम के साथ अगर फोम ढीली हो गई या फिर कुछ हो गया, उस केस में इसको जो है मतलब एकदम सर पे एकदम पूरी बॉडी में पूरा स्नग फिट होगा ये। इसलिए सेटिंग ये बहुत सबसे चीज़ ये यूनिक चीज़ लगी, ये अभी तक किसी हेलमेट पे मैंने ऐसे नहीं देखा कि साथ में मिलता हो, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। और अंदर की इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह तो आपको मैं निकाल के ही दिखा देता हूँ, ये निकाल के दिखा दिया, ये देखिए, ये रेड स्टिचिंग जो है बहुत ही खूबसूरत लगती है, ये इसका ये लेदर टाइप का ये है कपड़ा है, और ये जो जाके उस पर सेट हो जाता है अंदर। तो ओवरऑल ये हेलमेट बहुत ही अच्छा है। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये है इसका कि ये आप ये देखिए, मैं ये एक उंगली है इसमें डालता हूँ, और ये देखिए कैसे ये फिट हो जाता बराबर, ठीक है, देखिए ये बराबर फिट होने के कारण जो है ये आपके सर में कोई तरह का वो ना, अगर आपका हेलमेट बाहर पीछे को खींचता है या आगे को खींचता है ऐसे खींच में आपको बीच में पीछे ये नेक में पेन होता है, ठीक है, लेकिन ये पूरा बैलेंस है, बैलेंस होने के कारण जो है आपके हेड को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में आराम से रिलैक्स मिलता है। और ये वाला चीज़ जो है शायद रिमूवेबल नहीं है, क्योंकि ये शायद मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ कोशिश करने के बाद, ये चीज़ नहीं निकलेगी, बाकी अंदर का सब कुछ क्लीन होने के लिए निकल जाएगा। तो ओवरऑल डिज़ाइन वाइज तो बहुत ही अच्छा है, लाइट वेट है, और मोटो व्लॉगिंग के लिए अच्छा है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए अच्छा है। प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका प्राइस जो है इस पर जो लिखा था मैंने देखा था 2100 है, और अगर सिंगल वाइजर का लेते हैं तो 1800 रुपये के आसपास का है, यानी 1700-1800 से लेके 2100 के बीच में आपको दोनों मॉडल मिल जाता है। और इसके कलर डिज़ाइन का तो आप पूछिए नहीं, अभी पहले तो ये हायर रेंज के इसमें हेलमेट में आता था, लेकिन अब इसमें भी आने लगा है। तो थैंक्स टू स्टीलबर्ड, उसने मुझे ये रिव्यू के लिए भेजा, और
क्वालिटी, लेकिन ये नहीं सोचिए कि मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो मैं इसको ही प्रमोट करूँगा। सबसे अच्छी चीज़ आप ये देख रहे हैं इसका, ये लुक, ये ब्लैक मामा लुक तो है इसका ग्राफिक, लेकिन ये लुक जो है पूरा प्रीडेटर की तरह लग रहा है। बस एक यहाँ पे एक छोटी सी लाइट लगानी है और जिससे निकलेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो आपको ये हेलमेट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसके बारे में कुछ और जानना चाहिएगा, कोई और वीडियो इसके बारे में देखना हो या कुछ डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं इसको बना के दे दूँगा ज़रूर से। और इसमें एक डिमेरिट वाली जो बात है, और हर डिमेरिट का एक पॉजिटिव भी होता है, ठीक है, तो डिमेरिट ही बताता हूँ। ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये देखने में लग रहा है ये स्लाइड करेगा पीछे और ये वेंट ओपन क्लोज होने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये स्लाइड होने वाले टाइप का बना तो है लेकिन ये काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इसका एक फ़ायदा है क्योंकि ये सिंगल सेल है, कहीं से भी किसी भी तरह का इक्विपमेंट इस तरह से नहीं जुड़ा जिसको इसके स्ट्रक्चर को कमज़ोर करे, तो ये आपकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये है कि जब आपको क्लोज इन्वायरमेंट में ठंड में जाना है, इसको बंद करना है, तो उस केस में आप दूसरा हेलमेट भी आपके पास है, लेकिन अगर एक लाइट वेट स्ट्रांग हेलमेट और जो है गर्मी के सीजन में यूज करने वाला चाहिए तो ये बहुत बेस्ट है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।